बैक टू माई चैनल। आप सब कैसे, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ आ गई हूँ और आज का लंच में क्या क्या बन रहा है तो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और जो भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज का लंच में आप सबको दिखाते, बहुत ही टेस्टी टेस्टी बनने वाला है। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, सो उतना दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो चलिए आज का मैं लंच दिखा, देख सकते हैं ये मशरूम है, पर पता नहीं ये बहुत ही अलग तरीका से बनने वाला है जिनका मुझे भी अच्छा से पता नहीं है। तो आप सबको अगर पता है कि आप लोग इस तरह टाइप का पहले हल्दी वल्दी दे के अगर बनाते हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर अभी प्याज जो है फ्राई हो रहा है और यहाँ पर टमाटर भी डल रहा है। तो थोड़ी देर में अभी लंच कंप्लीट होगा, चावल भी बन चुका है। तो ये मशरूम है, देख सकते हैं ये पैकेट वाला है। दोस्तों देख सकते हैं अभी बन रहा है मटन खाएंगे लंच में आज। और यहाँ बन रहा है चावल, यहाँ बन रहा है मटन, अंदर कढ़ाई भी हिल रहा है। और ये है देखिए, इसको तेल बोला जाता है, ये प्याज, ये तेल और यह मटन। तो अभी मटन को अभी फ्राई हो रहा है, भूजा जा रहा है, उसके बाद इसमें मसाला वसाला सब दिया जाएगा अभी। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसको कहाँ पर रखे हैं, क्योंकि इसको लास्ट में देंगे, अभी देंगे तो पूरा चिकन पे ही पूरी तरह से फैल जाएगा। चिकन नहीं, सॉरी मटन चिकन। तो देख सकते हैं इस पर मसाला दे के इसको भूनने के लिए भी रखना है कि अच्छी तरह से मसाला भुना जाए। तो काफ़ी टेस्टी दिख रहा है ग्रेवी इसका। मटर चिकन को अभी अच्छी तरह से अभी भूनना पड़ेगा। तो देख सकते हैं अभी चिकन को भून रहे हैं, मसाला इसका अच्छा से भुजा जाएगा, इसके बाद ही टेस्ट लगेगा खाने में। तो अभी देखते हैं मटन बना है कि नहीं। टेस्टी राइट, देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी चिकन बना मटन। इसको मटन देख सकते हैं काफ़ी कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका। तो मसाला फाइनली भुजा गया है इसका, अभी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाए। तो फाइनली लंच रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं अभी प्याज ले रहे हैं और अभी यहाँ पर चिकन मटन दिखा देते हैं कैसे बना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो अब खाएंगे हम लोग खाना। तो अभी ले रहे खाना और खाएंगे अभी टेस्टी टेस्टी मटन। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है मटन आपको।